There's a question from the audience, Manju, from a self-help group. Ji. Namaste, sir. Nirbhaya fund ka istemal kis tarah se ho raha hai abhi? Nirbhaya fund to center ne... Nirbhaya fund. Center ne banaya. हमारी तो सरकार के नीचे अगर आपकी सरकार आएगी तो आप क्या उस पे कदम उठाएंगे? देखो फंड से ज्यादा मुझे लगता है कि कुछ चीजों की जरूरत है विमेन सेफ्टी के लिए. फर्स्टली एज अ पॉलिटिकल क्लास देयर हैज टू बी अ सिंसियरिटी टुवर्ड्स विमेन सेफ्टी. महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार के अंदर एक वो जरूरी है. उसके लिए मेरा अपना ये मानना है कि कई सारे स्टेप्स लेने की जरूरत है. एक स्टेप ये लेने की जरूरत है, देयर हैज टू बी सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट, कि अगर कोई गलत काम करेगा उसको तुरंत सजा मिलेगी और सर्टेनली सजा मिलेगी. आप ये कर दीजिए, देखिए कई सारे जो मजनू घूमते हैं ये ठीक हो जाएंगे. दूसरा मतलब अब एक मैं आपको एक छोटा सा फिगर देता हूं कि पिछले एक साल में दिल्ली के अंदर 1630 रेप हुए. 1630, आपने तो एक के बारे में सुना, निर्भया के बारे में. उस निर्भया में तो सारा मीडिया पहुंच गया था, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बन गया. उस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 8 महीने में सजा सुना दी. बाकी 1629 केसेस का क्या हुआ? वो तो यूं ही घूम रहे हैं, 20-20 साल लगेंगे उनको. तो इन बलात्कारियों को बताया कि कुछ भी कर लो, इस देश में कुछ नहीं होता. मेरा ये कहना है, हम इस दिशा में, मैं जब बना था, मैं चीफ जस्टिस से भी मिला, जो दिल्ली के चीफ जस्टिस है, मैंने कहा सर 100 नई अदालतें शुरू कर देते हैं और इन अदालतों में जितने पेंडिंग केसेस है रेप के दिल्ली के अंदर, सबसे पहले ये सारे रेप के केसेस इनको दे देते हैं और इन रेप के केसेस में ट्रायल को 3 से 4 महीने के अंदर पूरा करके इन सबको जेल भेजो. देखो अपने आप ये ठीक नहीं हो जाए तो देर द कानून के अंदर सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट जो है वो बहुत जरूरी है. और बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है. एक समाज का थोड़ा सा एटीट्यूड भी बदलना पड़ेगा, जिस तरह से आज समाज का एटीट्यूड हो गया. दूसरा, आज अगर कुछ भी हो जो बहुत गलत चीज है, बाकी सारे बैठ के तमाशा देखते हैं. वो एक तमाशा देखने वालों में एक ये डर भी है कि अगर मैं आगे बढ़ा, जैसे निर्भया के केस में वो लड़की बताते हैं 20 मिनट या 30 मिनट तक सड़क के ऊपर पड़ी रही और ऑटो वहां से गुजरते रहे, ट्रैफिक वहां से गुजरता रहा, उसको पड़े हुए देखते रहे लोग और उसको पुलिस वैन भी किसी ने उसको नहीं छुआ, किसी ने उसको, सबको ये डर लगता है मैं कहीं फंस ना जाऊं. ये एटीट्यूड भी हमें खत्म करना पड़ेगा. अगर कोई मदद करने के लिए सामने आता है तो द लॉ शुड एक्चुअली सपोर्ट हिम रादर देन हाउंड दैट पर्टिकुलर विटनेस और दैट पर्टिकुलर पर्सन. तो बहुत सारे स्टेप्स लेने की जरूरत है. आप मैंने आप